जिले की झिंडिया ब्लॉक के ग्राम करन्या में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व राहुल पिता छोकालाल 16 वर्ष ग्राम के करतार पिता तोताराम और उसके 11 अन्य साथियों से मिलकर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार के लिए सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया, जहाँ से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामवासियों और परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर घेराव किया, जिस पर खरगोन पुलिस थाना प्रभारी और एसडीओपी की समझाइश पर परिजनों ने आरोपियों पर जल्द कार्यवाही की मांग करते हुए एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। जिसमें एक बालक ज्यादा घायल हो गया था, उसका एमआईएच रेफर किया गया था। आज सुबह 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई और जमीन का विवाद था। जमीन के विवाद के कारण आपस में झगड़ा हुआ था। आप लोगों को कहना यह है कि कार्रवाई ठीक नहीं हुई है और टीआई चैनपुर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उसके 3 मिलियन को बैठा रखे हैं और आप लोग चाहते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो। हम विश्वास दिलाते हैं कि जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। कुछ आरोपी बचे हुए हैं सर, और थाने में भी जो स्थानीय थाना है वहाँ से भी उन लोगों को जो मुख्य आरोपी वो बचे हुए हैं। 3 आरोपियों को राउंड अप किया है, बाकी लोगों को भी पकड़ लेंगे। हाँ, वो सही है कि इंदौर में 5 बजे मौत हो गई है और आज इनका दाह संस्कार होने के बाद में मैं कल मौके पर जाऊंगा, पूरी जांच करूंगा कि इनका झगड़े का क्या मूल कारण था, क्योंकि मैं भी नया नया आया हूं, अभी मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। और कल जाके मैं पूरा पता करूंगा और शेष जो बचे मुलजिम उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीआई पे पक्षपात का आरोप है कि संरक्षण दिया आरोपियों को? नहीं, मैं वो भी जांच करूंगा कि टीआई साहब की क्या लापरवाही रही है, उस संबंध में भी जांच करूंगा। पूरा गांव आया है इनको लेके, किस प्रकार से तरफ आगे की कार्रवाई की जाए? नहीं, आया है, ठीक है, उनमें आक्रोश है, पर हम कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, आरोपियों को जल्द पकड़ लेंगे। आरोपियों पर मर्डर का मामला दर्ज होगा? बिल्कुल, 302 लगेगी साहब, कैसी बात कर रहे हो साहब। एक बच्चा पहले गए छोराओं का, उसको अकेला ही पकड़ लिया इसने, फिर ये छोटा बच्चा दौड़ा उसका, ये जो आज लाश हुई है तो इसको ही पकड़ गया, एकदम लठ मचका है उसने सर में, और फिर वो लड़का नहीं एक लठ में फेंका गया, फेंका गया सर, तो मैं वो लड़का को बचाने गया तो ये मानू ने मेरे को मारा, 3 लकड़ी मारा मेरे को, करता रहो सब तीन ही घर के थे नहीं, ये तो ये मारा ये इसको पोरा को उठाने में। कितने आरोपी है कुल? 11 आदमी। ये अभी क्या है कि करन्या गांव का प्रकरण है, वहाँ पर एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उस जमीन पर हमने पहले भी रिपोर्टें दर्ज हुई थी, सामने वाले जो प्रकाश पंजा ये आरोपी गण है, इनके द्वारा वो गांव में पूरा आतंक मचा हुआ है, और इस बात को लेकर जो अभी राहुल उसको पूरे सामूहिक रूप से जानलेवा हमला किया, जिस पर जिसको उपचार के दौरान उसके मृत्यु हो गई। अभी हम सभी समाज जन ग्राम करन्या के बंजारा समाज क्षेत्र के सारे लोगों में आक्रोश है, और इस बात को लेकर रिपोर्ट लिखवाने गए थे वहाँ पर मात्र सिर्फ को जो चौहान साहब हैं यही साहब, इनके द्वारा लापरवाही रही और आरोपियों को संरक्षण दिया, जिसके वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। हम समाज की ओर से मांग करते हैं कि उसको वहाँ पर जल्दी जो बाकी जो आरोपी हैं उन पर भी जल्दी कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 302 की धारा में सभी को उम्र कैद की सजा की मांग की जाती है बंजारा समाज की तरफ से, और जो वहाँ पर 23